चुनाव सर पर है, लेकिन विपक्ष के पैरों में जैसे बेड़ियां बन गई हैं। शराब घोटाले के दलदल में आम आदमी पार्टी इस तरह से फंस गई है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले निकलना मानो नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। और अब इसमें आपके नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी फंसने लगे हैं। केजरीवाल ने ईडी को बताया है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। लेकिन ये विजय नायर है कौन और क्यों इनकी वजह से लगभग पूरी आप कैबिनेट जेल में है, आइए जानते हैं। दरअसल विजय नायर कुछ साल तक आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी थे। इसके अलावा वो एंटरटेनमेंट जगत का जाना माना नाम है। नायर ने इंडी बैंड्स के लिए मैनेजमेंट कंपनी OML की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी और लाइव म्यूजिक शो पर फोकस किया। OML यानी कि ओनली मच लाउडर, ये एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी है। विजय नायर इसके CEO और डायरेक्टर भी रहे हैं। 2018 में विजय नायर का नाम विवादों में तब आया जब मी टू कैंपेन के तहत उन पर आरोप लगे। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। विजय नायर दिल्ली शराब नीति मामले में पहले खुद एक आरोपी थे, लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये भी आरोप है कि विजय नायर ने कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से ली थी। कथित तौर पर साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। आरोप ये भी है कि एक बार विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्रू से बात भी करवाई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। दिसंबर 2022 में ईडी ने शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें ईडी ने विजय नायर को सीएम अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी बताया था। मामले में पिछले महीने ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम KCR की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। आरोप है कि कविता ने 19-20 मार्च 2021 को विजय नायर से भी मुलाकात की थी। अब कोर्ट में ईडी द्वारा पेश किए गए केजरीवाल के बयान से आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच क्या खलबली मचती है, ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।